सागर के गल्ला मंडी परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020-21 की राशि वितरित की गई और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री गोपाल भार्गव, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नरियावली विधायक प्रदीप लारिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार सागर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2020 खरीफ एवं रबी की फसल की नष्ट हुई फसलों का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने किसानों को चेक वितरित किए। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी संबोधित करते हुए किसान भाइयों को इसके बारे में बताया। सागर कृषि मंडी प्रांगण में इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुआ। सागर में आयोजित कार्यक्रम में किसान बंधुओं को संबोधित कर सागर जिले के 1,73,682 किसानों को उनके खातों में 265 करोड़ की राशि आंतरित की गई। रैली विधानसभा के किसानों के खातों में लगभग 90 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचे। कार्यक्रम में रैली विधानसभा के 5 किसानों को सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किए गए। नर्मदा मैया की, ताप्ती मैया की, झंडा जनार्दन की बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। किसानों के नाम पर राज्य की हर सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि उन्होंने हर किसान के खाते में 6,000 रुपया डालना शुरू किया। ये किसानों का सम्मान है और जब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लगा कि किसान का सम्मान तो है, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं मगर मध्य प्रदेश सरकार क्यों पीछे रहे, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा 6,000 प्रधानमंत्री जी के, 4,000 मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हर खाते में आज 10,000 रुपया पहुंच रहा है। ये किसान का सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज हमारे किसान बैठे, आप लोगों को पता नहीं होगा ये बात मैं बता रहा हूं सुनो और सारे किसान को, सारे लोगों को बताना, आपको जो बिजली मिलती है आपको पता नहीं, अगर आपके सही के बिल आने लगे